भाभी भाभी कहाँ हैं आप? मैं आ गई हूँ भाभी। अभी आए भाभी। हाँ। ये है हमारे दोस्त रॉकी और ये है हमारी प्यारी भाभी उर्मिला देवी। भाभी ये लो आपके कपड़े आ गए हैं, इसे पहन के आप इतनी खूबसूरत लगोगी भैया तो पागल ही हो जाएंगे। अच्छा जाओ जल्दी से पहन कर आओ। पराया मर्द। पराया भराया नहीं, ये हमारे दोस्त हैं। जाइए अब जाइए जी। अच्छा चलो मैं आऊँ क्या? नहीं नहीं आती। वैसे कैसी लगी हमारी देसी भाभी? एक नंबर है। पिंकी दीदी कहाँ गई? पिंकी दीदी कहाँ गई? कुछ काम से बाहर गई है। मैं आती हूँ। अभी सुनिए आप इस ड्रेस में ना बहुत हॉट लग रही हैं। भैया आपको देखेंगे ना तो पागल हो जाएंगे, लेकिन इस ड्रेस को ना ऐसे नहीं पहनते। ये क्या कर रहे हैं आप? और ये बटन ना मुझे नहीं पहनने ऐसे कपड़े। मैं आती हूँ। क्या कर रहे आप? ये पिंकी पिंकी छोड़ो, क्या कर रहे हो आप? ये वही जो आपका पति नहीं करता आपके साथ। बहुत हॉट हैं आप। आपको देख के ना मेरा दिमाग खराब हो गया। बड़ा बदकिस्मत है आपका पति जो आपसे प्यार नहीं करता। छोड़ो मुझे। Thank you.
कि सचमुच अपने भाभी का मेकओवर कराने की मंशा रखती थी या उसका इरादा कुछ और ही था? आपने देखा कि पिंकी का बॉयफ्रेंड रॉकी उसकी भाभी के कमरे में था और वो रोमांस कर रहा था। ये बात जानते हुए भी पिंकी ने अपने भाई से झूठ क्यों बोला? आखिर क्या थी इसके पीछे की वजह? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके पसंदीदा शो क्राइम टाइम में। ननंद और भाभी की इस रोमांचक कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। उर्मिला, उर्मिला जी बोले। तुमने चोरी कब से शुरू कर दी? चोरी? कैसी चोरी? देखो, 2 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने कभी किसी भी चीज की कमी होने दी? कोई जरूरत ऐसी जो मैंने पूरी नहीं की हो? नहीं तो, पर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरे एटीएम से पैसे निकले हैं। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम उससे मांग सकती थी ना, एटीएम से क्यों निकाले? मुझे तो एटीएम से पैसे निकालना आता भी नहीं। अब क्या कह रहे हो? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे अकाउंट से 50,000 रुपए निकले हैं, कहाँ गए? मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना जरूर पता है कि उस दिन मैंने पिंकी दीदी को आपके पर्स से कुछ निकालते हुए देखा था मैंने, मुझे याद है। क्या हुआ भैया, आप दोनों झगड़ क्यों रहे हो? क्या भाभी सही कह रही है? क्या तुमने मेरा एटीएम निकाला? वो एक्चुअली भैया, मेरी एक फ्रेंड अमेरिका जाने वाली थी ना, उसके फेयरवेल पार्टी देनी थी, तो बस इसीलिए निकाले थे। पिंकी दीदी यही कहकर पिछले महीने 20,000 रुपये निकाले थे कि इनकी कोई पार्टी है। ऐसा ही कुछ कहा था तुमने। अब आपको याद है वो लोग क्या मनाते हैं? लड़के लड़की क्या मनाते हैं? वो एक दूसरे को फूल देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको वो दिन? वैलेंटाइंस डे। हाँ, उसी वक्त दीदी ने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे जो घर चलाने के लिए आपने मुझे खर्चा दिया। बस बहुत हो गया। देखो, तुम मेरी इकलौती बहन हो और पापा गुजरते वक्त कहकर गए थे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं। तो आगे से जो भी कोई जरूरत हो तुम अपनी भाभी से मांग कर लेना, ठीक है? ठीक है। और सुनो, अगर ये बिगड़ी या इसने कोई भी फिजूल खर्ची की तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और इसकी मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? जी। भाभी, वो मुझे कॉलेज जाने के लिए 2,000 रुपये चाहिए। 2,000 रुपये क्यों? ये लो, 200 रुपये रखो। क्या 200 रुपये? बस में चली जाना, और अच्छे अच्छे घर के बच्चे बस से ही जाते हैं। याद है ना क्या कहा था भैया ने? फिजूल के खर्चे नहीं, समझे? कि रॉकी कहाँ रह गया? सॉरी फॉर बीइंग लिटिल लेट, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आई एम सॉरी। देखो, मैं कान पकड़ता हूँ। रॉकी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझसे नाराज नहीं हो तो फिर क्या हुआ? वो मेरी भाभी है ना, हर वक्त मेरे हर काम में टांग अड़ाती रहती है। सुबह मैंने उनसे 2,000 रुपये मांगे, उन्होंने मुझे 200 रुपये पकड़ा दिए, ऊपर से ज्ञान भी दिया कि अच्छे घर के बच्चे बस से ही जाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे ना उससे बदला लेना है। बदला? लेकिन कैसे? मुझे उसको मॉडर्न बनाना पड़ेगा और उसके ख्यालों को बदलना पड़ेगा। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो गांव से आई है, देहाती टाइप, ओल्ड स्टाइल, उसे मॉडर्न कैसे बनाऊंगा? वो तो मुझ पे छोड़ दो। लेकिन हाँ, तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाभी को मॉडर्न बनाने के खेल में तुम मेरा साथ दोगे। Thank you.
भाभी क्या हुआ? भैया से झगड़ा हुआ क्या? भैया है कहां पर और आप रो क्यों रही हैं? भैया भैया वो आए थे पर वो नाराज होके चले गए। मैं आपको क्या बताऊं अपने दुख के बारे में दीदी, आप नहीं समझोगी। भाभी जब तक आप बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या तकलीफ है। अच्छा चलो बताओ मुझे क्या हुआ। पिंकी दीदी मैं पहली बार आपको अपना दुख बता रही हूँ। जब से शादी होके आई हूँ ना इस घर में, आपके भैया ने मुझसे कभी दिल से प्यार नहीं किया, सिर्फ मुझे एक मुर्दा लाश की तरह समझते हैं। अरविंद जी हमारे इच्छाओं के बारे में तो सोचो। अरे क्या चाहिए एक औरत को, कपड़े लत्ते खाना पीना रहने के लिए अपनी छत सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और क्या? और मेरी भावनाएं? भावनाएं वो तो मेरी बुआ ने तुम्हें मेरे मत्थे मर दिया इसलिए तुम्हें झेलना पड़ रहा है, वरना मेरे जैसा कॉरपोरेट में काम करने वाला बंदा तुम्हारे जैसी गांव की देहाती औरत के साथ रहता? और वैसे भी मर्द की कुछ जरूरतें होती हैं इसलिए तुम्हारे पास आ जाता हूँ, वरना तुम छुए कौन? क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ? बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम आजकल। ओ, तो ये बात है। देखो भाभी अगर आप चाहती हैं कि भैया आपसे बहुत प्यार करें तो जो मैं बोलूं वो आपको करना होगा। जैसे कि? देखो भाभी जमाना बदल चुका है और आपको भी जमाने के साथ बदलना होगा। आपको मेकअप सीखना होगा और ये हेयर स्टाइल भी बदलना होगा। हाँ और हाँ छोटे छोटे कपड़े भी पहनने होंगे, फिर देखना भैया तुमसे कितना प्यार करेंगे। अच्छा चलो चलिए मैं आपको टेलर के पास लेके चलती हूँ, आज नाप दे देंगे कल कपड़े ले आएंगे, ठीक है? नहीं नहीं दीदी मुझे नहीं जाना, कोई अनजान आदमी मेरा नाप लेगा, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है मेरी भोली भाभी आपका नाप मैं ले लेती हूँ, आप रुकिए हाँ मैं इंची टेप लेके आती हूँ। चलिए भाभी आपका नाप लेते हैं। आप दीदी अभी मैं आपकी टेलर हूं तो जैसा मैं बोलूंगी वैसे करते रहना। चलिए घूम जाइए। हाँ आप आगे घूम जाइए। हाँ थोड़ा सीधी खड़े हुई है ना, हाँ थोड़ा और यस। भाभी
क्या कर रही है? सीधे रहिए ना। क्या हुआ? घूमिए पीछे। दीदी अभी देखो, ऐसे कपड़े बनाऊंगी, ऐसे कपड़े बनाऊंगी कि भैया तो क्या पूरा मोहल्ला पागल हो जाएगा। वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाता है। मुजरिम? किस मुजरिम की बात कर रहे हो? अरे ये वीडियो देखो, इसमें है मुजरिम। मुजरिम? हाँ दिखाओ ना, मुझे भी दिखाओ। देखोगे? हाँ। ये कैसा लगा वीडियो? पिंकी दीदी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, मुझे ऐसे कपड़े मत पहनाइए। आपने मेरी एक नहीं सुनी। उस दिन आप मुझे अकेले छोड़ के चली गई थी। रॉकी था वहां पे, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और मैं खुद को रोक नहीं पाई। दीदी आपको तो पता ही है मुझसे गलती हो गई। दीदी दीदी आप भी तो औरत ही, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दीदी प्लीज आप अपने भैया को मत बताइए। अगर ये वीडियो उन्होंने देख लिया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दीदी प्लीज मत बताइए ना। हाँ गलती तो हो गई है तुमसे, और वो क्या है ना, आप चाहते थे ना कि भैया आपसे प्यार करें, लेकिन उससे पहले कोई और भी आपसे प्यार करने लग गया। लेकिन ये वीडियो लीक होने के बाद तो आपका मुंह दिखाना क्या, हमारी पूरी फैमिली मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नहीं आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ, बस प्लीज आप भैया को मत बताइएगा प्लीज। तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं जो कहूँ, जो मांगू, जब भी मांगू आपको देना होगा। मंजूर है? मंजूर है। ठीक है फिर 50,000। नहीं दोगे? क्या हुआ, भेज दूं क्या भैया को वीडियो? नहीं नहीं दीदी, मैं देती हूँ ना 50,000। मौत भेजी। पक्का? हाँ दीदी। मान गई पिंकी, क्या दिमाग पाया है तूने। उर्मिला की ननंद पिंकी ने उर्मिला का मेकओवर सिर्फ इसलिए करवाया ताकि वो उसे अपनी उंगलियों पे नचा सके, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि इस ब्लैकमेलिंग का अंत एक मर्डर होगा। वो अब रॉकी के साथ बनाए गए वीडियो के दम पर उर्मिला से पैसे तो ऐंठने लगी थी, लेकिन बदले की आग में जल रही पिंकी का इस मेकओवर के चक्कर में क्या अंजाम होगा, इस बात से बेखबर थी। आगे क्या हुआ कहानी में, आइए देखते हैं। भाभी आपने जानबूझकर नहीं किया, कोई भी औरत होती तो यही करती। कौन है और इसको मारा किसने? भैया ये मेरा क्लासमेट था और घर में इसका आना जाना था। आज भाभी को अकेला देखकर इसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और भाभी ने उसको मार दिया।
हेलो पुलिस स्टेशन सर, शंकर निवास पे आ जाइए जल्दी। किसने कॉल किया था? सर मैंने किया था। ये कौन था और इस घर में कैसे आया? सर ये मेरा क्लासमेट था और इसका घर में आना जाना था। आज इसने अचानक भाभी को अकेला देखकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसीलिए सेल्फ डिफेंस में भाभी ने इसको मार दिया। है ना भाभी? आप इनकी कौन है? सर ये मेरी भाभी हैं और ये मेरे भैया हैं। ये क्या छुपा रही हैं आप? कुछ नहीं सर। अभी अभी आपने बताया कि आपकी भाभी ने सेल्फ डिफेंस में ये कत्ल किया, फिर आपके हाथ में खून के निशान कैसे? लगता है कांस्टेबल ये ऐसे नहीं मानेगी, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। नहीं सर रुकिए, मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। सर कत्ल भाभी ने नहीं, मैंने किया। इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं पता था कि जो खाई मैंने खोदी है उसमें मैं ही गिर जाऊंगी। एक्चुअली भाभी से मेरी कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन हाँ भाभी हमेशा भैया को मेरी शिकायतें लगाती रहती थी, मुझे पैसे नहीं देती थी और मुझे छोटे कपड़े नहीं पहनने देती थी, और तो और मुझे छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी भाभी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। भैया ने मुझे भाभी के आगे हाथ फैलाने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन हाँ मुझे भाभी की कमजोरी पता थी। कई दिनों से भाभी भैया से रिलेशन बनाने को तड़प रही थी। मैंने ही रॉकी को भेजा था, फिर इनका एक वीडियो बनाया और फिर वो वीडियो भाभी को दिखाकर मैं उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन हाँ मैं एक बात भूल गई थी कि मर्द तो आखिर मर्द ही होता है, और जब मर्द को फ्री में एक नया शरीर मिल जाए तो वो पुराने को भूल जाता है। मुझे रॉकी पर शक था लेकिन यकीन नहीं था, लेकिन आज मेरा वो शक यकीन में बदल गया। बात बताऊं भाभी, इस गांव के बदन की कुछ बात ही अलग है। शहर का बदन तो 10 मिनट में दम तोड़ देता है। बड़ा बदनसीब है तुम्हारा पति जो उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। सच बोल रहे हो तुम? हाँ। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना रॉकी? नहीं। मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। मुझे भी तुम्हारी आदत हो गई है। पक चुका हूँ मैं उस पिंकी से, कौन चलेगा उसके नखरे जिंदगी भर।
मैंने तो प्लान बना लिया है कि अगले हफ्ते हम दोनों भाग रहे हैं। सच रॉकी? पिंकी तुम तो पार्टी में गई थी ना? चाकू! रॉकी! रॉकी! आपने क्या किया दीदी? क्या किया आपने? ये मार दिया, ये जिंदा रहने के लायक ही नहीं था। वैसे भी जो मेरा ना हो सका वो तुम्हारा कैसे होता? हाँ, इसलिए मार दिया साले को। कांस्टेबल, अरेस्ट कर। एम्बुलेंस, शंकर निवास में फौरन पहुंचो। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो अक्सर पहले खुद उसमें गिरता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। पिंकी की अपनी भाभी उर्मिला से दुश्मनी सिर्फ इस बात से थी कि वो उसे रोकती टोकती थी, उसे पैसे देने में आनाकानी करती थी। इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ मिलकर एक मेकओवर का प्लान बनाया, जिसमें भोली भाली और प्यार से महरूम उर्मिला फंस गई। लेकिन पिंकी ये बात नहीं जानती थी कि उर्मिला और उसका बॉयफ्रेंड रॉकी सचमुच प्यार करने लगेंगे। इसलिए जब पिंकी को ये बात पता चली कि रॉकी उससे ब्रेकअप कर रहा है, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने रॉकी का मर्डर कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसे मिला क्या? पुलिस की छानबीन हुई और वो पकड़ी गई। इसीलिए मेरी आप सब से गुजारिश है कि कभी भी जलन और बदली की भावना को मन में ना लाएं, वरना आप कब गुनहगार बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे इसी जगह पर, तब तक आप देखते रहिए क्राइम टाइम। जय हिंद, जय भारत।